वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग जी। सो दोस्तों, सुबह के 7:30 होने वाले हैं और मैं तो सुबह 6 बजे का उठ गया था और हमारा टैक्सी वाला आ गया। हम जा रहे हैं आगरे और आज है 30 डेज वेट लॉस चैलेंज का 21st डे। 20 दिन हो चुके हैं और चलो मैं जल्दी से रेडी हो रहा हूँ क्योंकि टैक्सी वाला वेट कर रहा है। तो हम जाएंगे आगरा ताजमहल देखने के लिए। फाइनली गाइस, मैं तो रेडी हूँ और मम्मी, सिस्टर और प्रतिभा सभी रेडी हो गए हैं। तो चलो लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं। और नीचे कैब वाले को वेट करते करते मुझे लगता है कम से कम आधा पौना घंटा हो गया है। मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ और उसको एक बार मिल के आता हूँ। गुड मॉर्निंग। रेडी हो ताजमहल जाने के लिए? देखो, मैं वेरी गुड। हान, वेरी गुड। प्रतिभा, वेरी गुड। और मम्मी, आज भी खाने का ध्यान रखना है। आज 21st डे है। हाँ, नारियल पानी पिलाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट। चलो, हाँ जी, रेडी हो? वेरी गुड वेरी गुड। फाइनली हम सभी अब जा रहे हैं नीचे कैब में। तो कंफर्टेबल? प्रतिभा, हाँ जी, वेरी गुड। सो 8 बज गए हैं और पूरे 8 बजे हम निकल गए हैं यहाँ से। तो और भैया बोल रहे हैं 200-250 किलोमीटर है यहाँ से और कम से कम 3-3.5 घंटे लग जाएंगे। दोस्तों, हम जेवर पहुँच चुके हैं और यहाँ से 100 किलोमीटर है और कुछ खाने के लिए रुके हैं और सभी को कुछ खाने के लिए बोला है। और चलो, यहाँ पे कुछ अच्छा ढाबा लग रहा है और यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर अभी दूर है आगरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कायना, क्या खाओगे आप? हैं, चावल नहीं बेटा मिलेगा, चने भटूरा, चने पूड़ी मिलेगी। और आप? सो फाइनली हमने ऑर्डर दे दिया और मम्मी कार में बैठे हुए हैं। मम्मी को कार में कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, उनको चाय पिला देंगे और कुछ ऑर्डर किए हैं। मैं तो लस्सी पीऊँगा। तो कल का काफ़ी कुछ बाहर से हो गया तो मैं आज लस्सी पीऊँगा ओनली, और बाकी शेयरिंग करके खाएंगे। क्योंकि जब ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कोशिश करें शेयरिंग करके खाएं, उससे अच्छा रहेगा। उसमें कैलोरीज डिवाइड हो जाती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली मेरी छाछ आ गई है और ये चाय, और आहान खा रहा है ब्रेड पकौड़े। फाइनली मैं पी रहा हूँ छाछ और वो खा रही है तो और मम्मी को मैं दूंगा एक चाय। फाइनली मम्मी को मैंने दिया है गाड़ी में ही एक ब्रेड पकौड़ा हाफ और साथ में चाय दी है। ठीक है मम्मी? ठीक है, नींद आ रही है? तो मम्मी को काफ़ी नींद आ रही है तो गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये हमारे कैब वाले भैया हैं जो हमें आगरा लेके जाएंगे। ट्रैवलिंग में कम से कम खाएं और कल का मैदा काफ़ी हो गया था इसलिए मैं आज बहुत कम और ना के बराबर खाऊंगा। छाछ पी अकेली मैंने। बॉल पे मार रहे हैं। ओके, आप तो बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हो कायना। नहीं, तू भी अच्छा लग रहा है। टाइम हो चुका है 12:10 और हम आगरा पहुंच चुके हैं और आगरा पहुंचते ही हमने गाइड कर लिया और उसमें बैठ के जाएंगे और ई रिक्शा में बैठ के जाएंगे और गाइड हमें मिल गया है और रेडी। हाँ, इनसे सॉन्ग सुनेंगे। फाइनली हम बैठ रहे हैं ई रिक्शा में। चलो बैठो, चलो 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। हम पहुंच गए हैं बिल्कुल ताजमहल के पास और ये हमारे गाइड हैं मिस्टर सलमान और मम्मी को व्हीलचेयर प्रोवाइड करवा दी है। सो फाइनली हम जो हैं ताजमहल के गेट के एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं और उसका व्यू मैंने आपको अभी दिखाया। तो ये पीछे प्रतिभा, आहान, टीना और मम्मी वो आगे जा रहे हैं और कायना, कायना पता नहीं क्यों चुप है। तो ये देख सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल, मैं तो पहली बार आया हूँ जी। तो वो बिल्कुल सामने जो है वो ताजमहल है। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल। सामने हमारे ताजमहल है वो आप देख सकते हैं, और साइड कितना ब्यूटीफुल है, और ये एंट्री गेट है और सामने ताजमहल। वाओ इट्स ब्यूटीफुल। भाई मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ और काफ़ी इंजॉय किया मैंने। और सामने आहान कुछ बोलना चाहते हो देख के? डिस्क्राइब नहीं कर सकता हान बोल रहे हैं। अरे वाह क्या बात है, इट्स ब्यूटीफुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप ताजमहल सेम है जैसे मैंने 15 साल पहले देखा था। हाँ तो वो तो सेम ही होगा, सेम ही होगा, 15 साल पहले देखा है इसने। नीला थोड़ी पेंट कर देगा, बोला जैसे पहले। हाँ चलो वेरी गुड, चलो 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 चलो। कायना और मम्मी बैठ गए हैं और भैया पीछे व्हील चेयर को एंजॉय कर रहे हैं पूरा, वेरी गुड। नहीं कोई गल नहीं। सो आप देख सकते हैं सामने ताजमहल के, ये देखो मैं जूम कर रहा हूँ, और काफ़ी नींबू लगे हुए हैं। वाओ इट्स ब्यूटीफुल, वो देखिए सामने। हम सारे जो है ये शूज़ कहते हैं अंदर जो है वो डाल के जाने हैं, क्या डालने हैं? कवर, शूज़ कवर डाल के जाने हैं, सभी ने डाली हैं। क्यों ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे? तो ये देखिए सभी ने शूज कवर डाल रही हैं, और मम्मी और मम्मा को हमने पीछे बिठा दिया है कि व्हील चेयर ऊपर नहीं जा सकती, तो हम अंदर जाएंगे ताजमहल के अंदर। तो अब जा रहे हैं हम ताजमहल के अंदर, और टिकट विकट होगी हमारी, और मम्मी नीचे बैठेंगी क्योंकि व्हील चेयर ऊपर नहीं आ सकती है। तो ये वॉल है, वेरी नाइस। ये है यमुना रिवर और फाउंडेशन है वो सामने बिल्कुल, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। हाँ यहाँ पे जो शारजहाँ थे वो ब्लैक कलर का ताजमहल बनाना चाहते थे, वाइट कलर के बिल्कुल बैक साइड, ये फाउंडेशन है उसकी। हाँ वो आगरा फोर्ट है, यहाँ पे बंद किया था, मैं आपको फोकस करके थोड़ा दिखा। बेटा एक मिनट, तो जब उनको कैद किया था तो वो अपना ताजमहल यहाँ से देखते थे, वो सामने आगरा फोर्ट है। मिलना क्या है, ठंडी या हवा आ रही है? ठंडी मेंटेनेंस होती है ना अभी सारी। ये था थोड़ा बैक साइड का व्यू ताजमहल का, सारा ताजमहल विजिट करके आ गए हैं। कई जगह कैमरा मोबाइल रिस्ट्रिक्टेड था, तो फाइनली अब हम आगरा में हैं, कुछ खाने लगे हैं क्योंकि मेरा सिर भारी हो गया है, मम्मी को भी कुछ खाने के लिए देते हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं और कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए। हमारा ऑर्डर आ चुका है, हमने एक ऑर्डर किया है पनीर चीज़ चिली, और एक कढ़ाई पनीर है, और एक है दाल, दाल येलो दाल होती है, यहाँ पे येलो दाल मिलती है, हमारे पंजाब में जो है उड़द की दाल मिलती है, माँ की दाल जिसको बोलते हैं। तो मम्मी खाने लगे हैं, ठीक है मम्मी? हाँ जी, थोड़ा सा खाइए, थोड़ा सा खाओगे? चलो थोड़ा सा मम्मी को दे देते हैं। और तो ये है, मैं खा रहा हूँ दाल, और ये है पनीर, और मम्मी भी ये चपाती खाएंगे, कहते हैं मैंने चपाती खानी है, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, और ये पनीर खा रहे हैं। तो ट्रैवलिंग में चलो इतना तो देना ही पड़ेगा, मम्मी कह रहे भूख लगी है मेरे को। तो हम सारे निकल गए हैं आगरा से दिल्ली के लिए, तो हमने खाना खा लिया है और कैब में बैठ के निकल गए हैं, और वहाँ का जो फेमस है पेठा वो हमने लिया है, और थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे उसको, तो मम्मी को भी टेस्ट करवा दिया। मैंने ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाया, ज़्यादा मैंने खाना नहीं दिया। तो चलो अब तो ट्रैवलिंग करनी है, तो उसके बाद शाम को पहुँचेंगे, यहाँ 4 बज गए हैं, तो हमें आई थिंक 2 घंटे और लगेंगे, तो फिर अपने वहाँ पहुँचेंगे। तो कल संडे को हम जाएंगे वापस अपने पठानकोट। मामा यादव जी का ढाबा है, तो वहाँ रुके हैं। ये आगरा, आगरा और दिल्ली के रास्ते में आता है, तो वहाँ पे रुके हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, वैसे दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने ऑर्डर की है चाय
साथ में प्रतिभा ने वहाँ कुछ खाया नहीं था तो हमारी कुछ बहस हो गई थी तो वहाँ पे इसने कुछ नहीं खाया, आधी चपाती खाई और अब इसको ब्रेड पकौड़ा और समोसा खिलाएंगे और साथ में चाय पिलाएंगे। तो मैं भी थोड़ी सी चाय पीऊँगा क्योंकि खाने खाने के बाद मैं कम ही बैठता हूँ, लेकिन अब खाना खा के बैठ गया तो थोड़ा सा हैवीनेस लगने लगी है, तो हल्की सी चाय पियेंगे और उसके बाद चलेंगे दिल्ली के लिए। फाइनली गाइस, मैं मम्मी सभी यहाँ पे पहुँच गए हैं और बैटरी सिर्फ 1% रह गई है और हम पहुँच गए हैं अपने हिमाचल सदन। सो दोस्तों, अब पहुँचे हैं, 8:10 हो गए हैं, तो अभी पहुँचे हैं जस्ट हम अपने यहाँ पे। गाइस, 9:15 हो चुके हैं और मेरी बैटरी 0 हो गई थी, मैं चार्ज करने के लिए लगा दिया था। तो सभी आ चुके हैं रूम में और मेरा जो था वॉमिटिंग वाला मन हो रहा था, मेरा मन ख़राब हो रहा था क्योंकि मैं इतनी देर कभी गाड़ी में बैठा नहीं हूँ। तो एक बार सुबह खाया था, थोड़ा सा खाया था और उसके बाद दोपहर को लंच किया था, वो भी 2:30 के करीब। तो उसके बाद गाड़ी में बैठ गए क्योंकि मैं खाने के बाद बैठता नहीं हूँ। और अब आगे मेरा मन ख़राब हो रहा क्योंकि हम यहाँ 7:30 पहुँचे थे, तो मैं इमिडिएटली अपने कपड़े चेंज करके जॉगिंग करना चला गया। तो मैंने कम से कम 4-5 किलोमीटर जॉगिंग की, उसके बाद थोड़ा सा सामान लेके घर वापस आ गया हूँ। और इन्होंने कुछ जो है फूड ऑर्डर किया हुआ है, डिनर, तो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि क्या इन्होंने खाना है और क्या मम्मी को देने हैं। और चलो मम्मी को पूछते हैं कैसा लग रहा है। ओके, तो कह रहे हैं कि आलू बैंगन बने हुए हैं नीचे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था घर जैसे खाना बनता है यहाँ पे। तो चलो मम्मी से पूछता हूँ कैसा रहा ट्रिप। हाँ जी मम्मी, कैसा फील कर रहे हो, ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। तो अब कुछ खाने की इच्छा है? थोड़ा बहुत कुछ लेना, दवाई खाना है। तो ये देख लो मम्मी का जो है, मुझे लगता है कि काम ख़राब है क्योंकि इनको फिर भूख लगनी स्टार्ट हो गई है। नहीं खराब है? नो। वो तो फिर कल घर जाएंगे तो पता चलेगा। नहीं, नराता शुरू तो आज 21st डे था 30 डेज वेट लॉस चैलेंज का, राइट? तो घर चलते हैं, कल देखते हैं घर जाके वेट करेंगे आपका कितना है, कितना है, क्योंकि तो आप नवरात्रों के बाद करेंगे। नवरात्रे कब है? 2 तारीख से वो पूरे रखोगे आप? पूरे रखोगे। चलो तो चलो ठीक है, नारियल पानी, दूध, दही। हाँ चलो ठीक है, बस इसी से टाइम पास करूंगी। चलो, उसमें रातों में एग भी नहीं मैंने खाना कोई। चलो ठीक है, पूरा करूंगी घर से। तो अभी ज्यादा नहीं आपको देंगे, फिर भी थोड़ा ही देंगे क्योंकि सफर में जरूरत तो पड़ जाएगी। मैं तो कुछ नहीं खा सका क्योंकि मेरा मन खराब हो रहा था, मैं जॉगिंग करके आया हूँ। ठीक है, सफर पे ना जा खाऊं तो खाली पेट वोमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, डीजल से पेट्रोल से थोड़ा बहुत खाना पड़ता है। चलो ठीक है, तो देख ले भी अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं वो भी ट्रैवलिंग के साथ, तो आप थोड़ा बहुत आप खाएं क्योंकि नहीं तो काम ज़्यादा खराब हो। हाँ, तो हमारे कई सब्सक्राइबर्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप सैलड भी ले सकते हैं ट्रैवलिंग में, तो वो तो आप लेते नहीं सैलड, इधर ज़्यादा अच्छा नहीं है घर जाके। चलो ठीक है, तो फाइनली दोस्तों 10:30 हो गए हैं और मैंने नहा लिया, सभी ने खाना खा लिया। और दोस्तों ये था 30 डेज वेट लॉस चैलेंज का 21st डे विद ट्रैवलिंग। सो दोस्तों ये देखा आपने, मम्मी को कितना समझाया मैंने, फिर भी ये ऐसे ही करती है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने बड़ों का ध्यान रखना, ये तो हम करेंगे, बोलेंगे बार बार, पर ज़्यादा कितना बोल सकते हैं उनको, क्योंकि वो मुझे लगता है वो जो मोटापा है एंजॉय करती है मम्मी। तो ठीक है, एक्टिव है, काम करना हो तो कर भी लेती है। हमारा मोटिव ये रहता है कि एक्सरसाइज करे और स्टिफनेस कम हो, प्रॉपर बॉडी में जो मसल्स में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई हो, उससे स्टिफनेस कम रहेगी और चलती फिरती रहेगी अच्छे से। तो चलो घर जाके अब देखते हैं अब कितना वेट हुआ है और दोबारा जितने दिन पड़े हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का 21st डे, तो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।